Underground Thief Secret Gold House। जैसलमेर नाम के गांव में किट्टू बिट्टू नाम के दो जुड़वा भाई रहते थे। किट्टू अच्छे से पढ़ाई करके नौकरी के लिए दूसरा शहर चला गया, मगर बिट्टू ने तो पढ़ाई किए बिना चोरी करना शुरू किया। वैसे ही कुछ साल बीत गए। फिर एक दिन किट्टू अपने गांव को देखने के लिए आया। घर में कोई भी नहीं होने के वजह से किट्टू हैरान हो गया। तभी किट्टू के घर में पुलिस आकर उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लेके गए। स्टेशन में एसएसए किट्टू, सर मुझे क्यों अरेस्ट किया है सर? मेरा नाम किट्टू है सर, मैं आज ही शहर से आया हूँ सर, मुझे तो यहाँ क्या हो रहा है उसे कुछ संबंध नहीं है सर, कहा। तब एसआई, क्या रे बिट्टू, क्या है ये नया प्लान है क्या? तुम किट्टू हो क्या रे? नाम बदल गया है क्या? मतलब तुमने जो कीर्ति ज्वेलरी से चुराया हुआ सब सोने के बारे में हमें भूलने के लिए कह रहे हो क्या? कहा। तब किट्टू, सर मुझे विश्वास कीजिए सर, मैं और बिट्टू जुड़वा भाई हैं सर, इसलिए आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो, चाहिए तो शहर में मेरा कंपनी वालों को फोन करके मेरे बारे में इंक्वायरी कीजिए सर, कहा। तब एसए ने एक कांस्टेबल से कहकर किट्टू के बारे में इंक्वायरी करने के लिए कहा। फिर थोड़ी देर के बाद किट्टू के बारे में पता चलने के बाद कांस्टेबल एसए के पास आकर किट्टू ने जो भी कहा था वो सच है कहा। उसकी वजह से किट्टू से एसए, ओके किट्टू तुम्हारे बारे में कंफर्म हुआ, मगर तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है, तुम्हारा भाई बिट्टू एक एक्सीडेंट में मर गया, चेहरा भी अच्छे से पहचान नहीं पाए, लेकिन उसके वॉच और अंगूठा को ट्रेस करके वही है कहकर कंफर्म किए। उसका दोस्त रोनी भी उसे पहचान लिया। उतना ही नहीं, बेचारा रोनी बिट्टू के लिए एक समाधि भी बनवाया। तुम एक बार उधर जाकर फिर वहां से सिटी चले जाओ। इतना ही नहीं, अब इस गांव में कभी भी वापस मत आना। असल में उस ज्वेलरी केस के लिए ऊपर से बहुत प्रेशर है, चाहिए तो तुम्हें भी अंदर कर देंगे, कहा। तब किट्टू, सर मुझे बिट्टू मर गए हैं कहकर विश्वास नहीं हो रहा है, उसे कितना बार कहा है सर चोरियां छोड़ने के लिए, मगर क्या करे, देखिए अब ऐसा हो गया है, छी छी, कहा। तब पुलिस किट्टू का अच्छाई पहचान कर उसे बिट्टू के समाधि के पास लेके गए। फिर उसके बाद वो लोग भी थोड़े देर उधर रहकर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद बिट्टू का फ्रेंड रोनी वहां पर एक कैरेज लेकर आया। फिर किट्टू को देखकर रोनी, ये क्या है भाई, तुम समाधि से बाहर निकल गए, किसी ने देख लिया तो भूत आ गया है कहकर डर जाएंगे, तुरंत तुम अंदर चले जाओ, कहा। तब किट्टू, अरे रोनी मैं किट्टू हूँ यार, लेकिन बिट्टू का देहांत कैसे हुआ, कहकर पूछा। तब रोनी मन में, अरे बाप रे ये क्यों आ गया है यहाँ पर, अगर उनको पता चल गया कि बिट्टू भाई समाधि के अंदर है तो पूरा प्लान मिट्टी में मिट जाएगा, इनको कुछ कहकर उल्लू बनाकर इधर से भेजना चाहिए, सोचकर किट्टू से, हाय रे किट्टू भाई, तुम हो भाई, देखो भाई बिट्टू भाई हमें कितना धोकर चला गया, मैं कभी भी बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए उसका आत्मा का शांति के लिए हर रोज कैरेज लेकर आ रहा हूँ, कहकर रोने लगा। तब किट्टू, अरे मेरा नंबर तुम्हारा पास था ना, कम से कम भैया मर गए हैं कहकर एक फोन भी नहीं किया, कहा। तब रोनी, भाई सॉरी भाई, बिट्टू भाई के मरने के वजह से क्या करना है भी पता नहीं चल रहा है, कहकर दुखी हो गया। फिर उसकी वजह से रोनी पर शक आकर किट्टू वहां से दूर चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद किट्टू वहां से चला गया है कहकर रोनी ने समाधि के बाजू वाले दरवाजे से अंडरग्राउंड में बिट्टू के पास गया। वहां सीक्रेट गोल्डन हाउस में मजे करते हुए बिट्टू को देखकर रोनी, भैया आप यहां पर मजे से पूरा सोना लगाकर एंजॉय कर रहे हो, मगर ऊपर आपके भैया आकर आपके लिए ढूंढ रहा है पता है, कहा। तब बिट्टू, अरे बाप रे वो क्यों यहां आया है रे, वो तो हमेशा नैतिकता के बारे में बोलता रहता है, चाहिए तो हम दोनों को भी बुक कर देगा, उसको शक नहीं आना चाहिए ऐसा, देखो, कह रहा था तभी वहां किट्टू आया। तब किट्टू, अरे बिट्टू शर्म नहीं है क्या तुमको, तुम कैसे घर में पैदा हुए हो और कैसे काम कर रहे हो, हमारा पिताजी का कितना अच्छा नाम था, तुमने उनका इज्जत निकाल दिया है रे, कहा। तब बिट्टू, अरे ओए नैतिकता के राजा, मुंह बंद करके यहाँ जो सोना है उसे देखो एक बार, जिंदगी में कभी इतना सोना देखा है क्या तुमने, मर्यादा से मेरा साथ हाथ मिला दो, आराम से यहाँ पर रह जाओ, फुल एंजॉय करेंगे, रानी हर रोज तुम्हें और मुझे जो भी चाहिए वो लेकर आएगा, क्या कहते हो, कहा। तब किट्टू, रानी क्यों रे, वो सही से नहीं लाएगा, इसलिए पुलिस को बताया, वे ही आकर तुम्हें जो चाहिए वो देते है रे धोखे बस कहीं का, कहा। तभी अंडरग्राउंड के रास्ते से पुलिस नीचे आए, आकर उधर का सोना को देखकर हैरान हो गए। इतना ही नहीं, बिट्टू और रोनी को अरेस्ट कर लिए। बाद में पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के लिए किट्टू का बहुत प्रशंसा किए,